हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुमाना और सभी को रमादान की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए आज शेयर करेंगे मीट पॉकेट की रेसिपी। तो सबसे पहले यहां पर मैंने रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है, इसमें डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीकी से कटा हुआ। तो पहले इसे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, यहाँ पर मैंने डाल दिया है करीबन 1.5 कप बीफ कीमा। कीमा यहाँ पर मैंने बारीकी से कर लिया था। तो अच्छे से प्याज के साथ इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटे साइज़ का आलू चॉप किया हुआ और हरी मिर्च चॉप किया हुआ। नमक डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। कीमा से लगभग पानी निकल चुका है। अब इसमें हम करीबन 1/2 कप पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक के हम पकाएंगे जब तक ना कीमा अच्छे से गल जाए। वैसे कीमा को ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी इसे लो फ्लेम में हम अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पर हम रेडी करेंगे एक पेस्ट। यहाँ पर ले लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसमें हम पानी डालेंगे 3 टेबलस्पून पहले। इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम बाद में पानी मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमें पानी की ज़रूरत है तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून और पानी मिक्स कर देंगे और एक थिक पेस्ट रेडी करेंगे। यहाँ पर जो पेस्ट है अच्छे से रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर मैंने 2 रेगुलर साइज़ का ब्रेड ले लिया है। यहाँ पर 2 ब्रेड ले लिया है मैंने दिखाने के लिए। बाकी के जो ब्रेड हैं हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इसका जो चारों एज है हम समान तरीके से काट लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रेड से इसका एज निकला है इसे वेस्ट नहीं करिएगा। इससे आप घर में भी अच्छे से ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम कीमा चेक कर लेंगे कि अच्छे से ये पका है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लो फ्लेम में रखते हुए कीमा अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं इसमें जो पानी था बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। इसका मतलब है कीमा यहाँ पर अच्छे से कुक हो गया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/4 कप कैप्सिकम। कैप्सिकम को मैंने यहाँ बारीकी से काट लिया है। तो इसे भी कीमा के साथ हम मिक्स कर देंगे और यहाँ पर कीमा के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जब तक ना कैप्सिकम अच्छे से गल जाए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बिना लीड लगाए हुए कीमा के साथ कैप्सिकम को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है और चम्मच चलाते हुए कैप्सिकम को अच्छे से मैंने गला लिया है। अब यहाँ चम्मच के ज़रिए हम अच्छे से सारे चीज़ों को मैश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कीमा जो मिक्स है रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दिया है। अब कीमा हो गया है बिल्कुल रेडी। तो यहाँ पर हम 2 टीस्पून करके ब्रेड के बीचों बीच हम कीमा को रख देंगे। पहले यहाँ पर 2 ब्रेड के ऊपर हम कीमा मिक्स जो रेडी किया है उसे रखेंगे और यहाँ पर जो पेस्ट का मैंने रेडी किया था कीमा के चारों तरफ इसे अच्छे से लगा देंगे ताकि जब इसे मैं दूसरे ब्रेड के साथ ऊपर से कवर करूँ तो ये अच्छे से स्टिक हो जाए और इसका जो फीलिंग है वो बाहर ना निकल आए। तो मैंने जिस ब्रेड के ऊपर कीमा रखा था उसे भी मैंने चारों ओर से ये पेस्ट लगा दिया है, अच्छे से अप्लाई कर दिया है और जो दूसरा वाला ब्रेड है उसके चारों ओर भी अच्छे से इस पेस्ट को अप्लाई कर देना है। और इसके बाद हम दूसरे ब्रेड को पहले ब्रेड के ऊपर अच्छे से कवर करेंगे और हाथों के ज़रिए धीमे धीमे से प्रेस करते जाएंगे ताकि इसका जो फीलिंग है वो बाहर ना निकल आए। बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा तो ये मीट पॉकेट है बढ़िया बनेगा। यह हमारा मीट पॉकेट हो गया है बिल्कुल रेडी। अब इसका हम स्लरी बनाएंगे। यहाँ पर ले लेंगे 1/2 कप मैदा और यहाँ पर डाल देंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। इसके साथ इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करते हुए एक स्लरी बनाएंगे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो स्लरी बनता है वो ना ज़्यादा लिक्विडी बनता है और ना ज़्यादा थिक बनता है। ये मीडियम कंसिस्टेंसी में रहता है। इतना इसका कंसिस्टेंसी रखना है जिसमें से कोई अगर चीज़ इसमें डिप करे तो अच्छे से कोट हो जाए उसके ऊपर। तो यहाँ हमारा जो स्लरी है बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर मैंने जो ब्रेड रेडी किया था, स्लरी में हम डिप करेंगे। चारों ओर से इसे अच्छे से हम लगा देंगे इसके बॉडी के ऊपर, और जो एक्सेस स्लरी है उसे हम चम्मच के ज़रिए निकाल देंगे। बिल्कुल इस तरीके से हर बार याद रखिएगा कि हमें अलग अलग फोक और स्पून का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है, अब इसके ऊपर हम अच्छे से कोट करेंगे। दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से मीट पॉकेट बनाएं, आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और रमादान स्पेशल है ये, तो इफ्तार में इसे ज़रूर ऐड करिएगा। तो यहाँ हमारा जो मीट पॉकेट है बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो गया है। अब इसी तरीके से हम सारे जो मीट पॉकेट है उसे भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सारे ब्रेड है उसे मैंने कोट कर लिया है, अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर तेल को मैंने पहले से गर्म करके रखा था, उसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब यहाँ दो पीस करके हम ब्रेड को फ्राई करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं हाई करना है, ताकि ये अंदर से स्टीम बिल्कुल भी नहीं होगा और बाहर जो इसका कोटिंग है बहुत जल्द ये जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने मीडियम फ्लेम में रख के बॉटम साइड जो है इसका फ्राई कर लिया है, और बहुत ही खूबसूरत से कलर आया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रंच भी आएगा। तो यहाँ पर मैंने दो साइड इसका फ्राई कर लिया है। दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ब्रेड को अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब बाकी के ब्रेड को बिल्कुल इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी एक ऑप्शन है और इजीली बन जाता है, और जिस इंग्रेडिएंट से मैंने बनाया है वो इजीली घर में भी अवेलेबल होता है। तो ये हमारा रेडी हो गया है मीट पॉकेट। इसे आप वन पीस में भी सर्व कर सकते हैं या मिडिल में इसे भी कट करके सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और आसानी से बन भी जाता है। तो दोस्तों इसे ज़रूर ज़रूर अप्लाई करना है, और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज का वीडियो यही तक दोस्तों, मिलते हैं एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। देखते रहिए रुमाना टेस्टी वर्ल्ड।